अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूं और 2 वीक्स हो गए हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का। मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा थोड़ा जो है वो बना हुआ थी मेरे पास क्लिप्स थे, तो मैंने सोचा कि चलो उसकी आज एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसकी क्या वजह थी कि मैं 2 वीक्स से क्यों नहीं ब्लॉग बना पाई, उसकी रीज़न मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताती हूँ। ये हम पी रहे हैं चाय और उसके साथ खा रहे हैं समोसे, सिंपल समोसे हैं, पोटैटो वाले समोसे हैं और बहुत ही टेस्टी एक गर्म वाली चाय होती है। ये इसमें जो टेस्ट होता है उसकी अपनी ही बात है दुबई की। आप दुबई में जब भी आएँ हमेशा ये एक गर्म वाली चाय जो होती है उसको ज़रूर पिएँ, उसका अपना ही मज़ा है। बेशक आप घर में जितनी मर्ज़ी चाय बना लें लेकिन यहाँ की जो चाय होती है बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की होती है। चाय हमने सेकेंड टाइम पी और उसके बाद हमने डिनर में मंदी, जो चिकन मंदी होती है वो खाई। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि क्या रीज़न थी, किस वजह से मैं इतने दिनों से अपनी नहीं वीडियो बना पाई, नहीं व्लॉग बना पाई। तो उसकी रीज़न ये है कि मैं पाकिस्तान आ चुकी हूँ और अचानक ही मेरा प्लान बना कि चलो मैं पाकिस्तान जाती हूँ। छुट्टियाँ भी होने वाली थी खैर बच्चों को, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि चलो पहले मैं चली जाती हूँ, फिर बाद में बच्चे भी आ जाएंगे और हस्बैंड भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी फ़्लाइट्स कुछ कैंसिल हो रही थी और इसी तरह प्रॉब्लम चल रही है। सो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं जाती हूँ, बाद में बाकी फैमिली आ जाएगी। तो यहाँ हमारी जो कैट है मैं दिखा रही हूँ कि मेरे जाने की वजह से बहुत ज़्यादा उदास थी और इसको ये था कि मैं इसको उठा के रखूँ और साथ में लेके जाऊँ, लेकिन मैं खुद इसके लिए बहुत उदास हो गई हूँ और जाने के टाइम भी मुझे इसके लिए बहुत उदासी हो रही थी। खैर उसको तो हमने थोड़ा बहुत प्यार किया और फिर भी जो है वो खामोश और हमारे पीछे पीछे चल रही थी खामोशी के साथ, दरवाज़े तक हमें छोड़ने के लिए आई और उसके बाद बहुत बेदिली से उसको छोड़ के हम जो खुशी भी थी पाकिस्तान आने की। और वैसे फ़्लाइट जो थी वो हमें ये था कि कोई पता नहीं लास्ट टाइम भी कैंसिल हो जाए, लेकिन फिर भी चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर हरियत से पाकिस्तान पहुँच आए। यहाँ हम जा रहे हैं शारजा एयरपोर्ट की तरफ और अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ शारजा एयरपोर्ट और फ़्लाइट जो पहली भी हमने 3 ली फ़्लाइट्स और 3rd जो हमने ली उसके उसमें हम आए और फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से समझ रहे हैं कि एक चांस से ही मैं आई हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो खैर हरियत से सारा प्रोसेस हो गया। घर की तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है और बच्चों की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। 2 बच्चे मेरे साथ आए हैं और एक बेटा और एक बेटी मेरे साथ आए हैं और माशाल्लाह से अभी वो क्लास ले रहे थे, आप लोगों को दिखा रहे हूँ। हो गई है हमारी मॉर्निंग हो गई है, रात को हम आए थे तकरीबन 1 बजे तक वहाँ से चले थे, आप लोगों को मैंने टाइम दिखाया अपनी गाड़ी में और उसके बाद समझ लें कि पूरी रात ही लग गई हमें सफ़र में। नेक्स्ट मॉर्निंग हम आए और पूरा दिन हम तकरीबन सोते रहे, अगली सुबह हम जागे हैं और आप लोगों को मैं अपना रूम दिखा रही हूँ जहाँ पे हमने रेस्ट किया और बच्चों ने अभी सेटिंग वगैरह करनी है सारी। आप लोगों ने देखा होगा मेरा कमरा बिखरा हुआ, चीज़ें फैली हुई हैं काफ़ी ज़्यादा और ये हमारे मैं अपने घर में आके फ़र्स्ट टाइम जो टी ले रही हूँ, पहली चाय जो मेरे घर में आके मैं पी रही हूँ और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हूँ साथ में और अपने घर की सारी चीज़ों को देख रही हूँ कि अपने घर से जो प्यार होता है इंसान को वो किसी दुनिया की किसी चीज़ से नहीं है। और यकीन करें कि यहाँ पे बैठ के चाय पीने का और एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा मज़ा और ये मज़ा, ये सुकून शायद दुनिया में कहीं किसी जगह अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि एक तो हम खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुँचाए और दूसरा अल्लाह ताला ने घर में आके रहने के लिए इतनी ज़्यादा बड़ी नेमत हमें नवाजी है, तो अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और यहाँ पर सुकून से मैं चाय पी रही हूँ, आराम से मैं चाय पी रही हूँ और आप लोगों से सोचा कि चलो आज शेयर करती हूँ अपनी कुछ बातें और कुछ फीलिंग्स शेयर करती हूँ। और ये सारा जो मैं सफ़र करके आई हूँ या फिर अपने घर में आने की जो भी फीलिंग्स हो रही हैं आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ कि मुझे कैसा लगा वहाँ से निकलते वक्त और यहाँ आके।
तो वहाँ से निकलते वक्त सबके साथ जो मिलके थोड़ा सा हो रहा था कि ये बच्चे छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चले मैंने सोचा कि इस दफ़ा रिस्क ले लेते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेगा। जिस दिन मैं आई थी उस दिन खाना मेरी सास ने बनाया था, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सब कुछ बहुत अच्छा बना के उन्होंने दिया था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए बनाई थी। फिर ये रोटी जो है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तंदूर की रोटी है, और ये रोटी खाने के लिए मैं यकीन मानिए तरस गई थी। वहाँ की रोटी भी होती है अच्छी ही होती है, लेकिन ये वाली जो रोटी होती है सही गंदम की, असल गंदम की जो तंदूर की रोटी होती है, इसका अपना मज़ा है और हमने बचपन में ये बहुत खाई है और हमें कुदरती तौर पे इस चीज़ से प्यार है। इसके ऊपर मैंने मेरी अम्मी लगाती थी देसी घी, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया है, और थोड़ी सी भिंडियों की सब्ज़ी है, और साथ में मटन का जो सालन है थोड़ा सा वो मैं खा रही हूँ उसके साथ, और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या मज़े कर रही हूँ पाकिस्तान में, और साथ में बिल्कुल ठंडा पानी पी रही हूँ। ठंडा पानी पीने का यहाँ एक अपना ही मज़ा है। वहाँ हम दुबई में बेशक जितनी मर्ज़ी गर्मी हो इतना ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीते, लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आता है ठंडा पानी पीने का। और अब जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे का बता रही हूँ। नेक्स्ट डे जो शाम का टाइम है, और शाम के टाइम तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था, और इतनी ज़्यादा हवा चलने लगी, और हवा के बाद एकदम से बहुत तेज़ बारिश होने लगी, और आप लोगों को मैं ये सारा मंज़र दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज़बरदस्त ये देखें बारिश होने लग गई है, और इतनी ठंडी बारिश थी इतनी मज़े की कि ये चीज़ देखने के लिए हम तरस गए थे। सच बताऊँ तो कितने अरसे बाद मैंने बारिश देखी है। हमेशा होती है, कभी हम आ जाएं पाकिस्तान में तो कभी हम कहीं सफ़र पे गए हों तो वहाँ होती है, और वो भी हम पूरी तरह इंजॉय नहीं कर सकते, नहा वगैरह नहीं सकते। मैं बारिश में नहाई, बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा नहा के इंजॉय किया, और बहुत मज़ा बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे घर के रूफ़ का जो व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, पहले तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, उसके बाद थोड़ी स्लो हो गई, और वेदर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और काफ़ी विंडी रहा, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा है। और आज भी कल बारिश हुई थी, और मैं जो बनाई थी वीडियो वो कल की है, आज मैं बना रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आप लोगों को आज का भी मैं बताऊँ कि आज भी वेदर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, और बारिश होने की वजह से बहुत ज़बरदस्त है, और हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जिन जिन लोगों का प्लान है पाकिस्तान आने का, वो ये ना सोचे कि वहाँ पर गर्मी है, मौसम चेंज होता रहता है, काफ़ी ज़्यादा हवा भी चलती है, डिफरेंट चेंजिंग होती रहती है, और वैसे भी एसी वगैरह फ़ैन वगैरह लगे रहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मुश्किल उनके लिए है जो बाहर काम करते हैं, और प्रॉब्लम उनके लिए है, घर में रहने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिनका प्लान है पाकिस्तान आने का, वो ज़रूर आएँ और लाइफ को इंजॉय करें। यहाँ देखें बारिश, और आज के ब्लॉग का मैं इख्तिताम करती हूँ। सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।